कार्तिक एकादशी के अवसर पर पैदल जा रहे एक भारी वाहन की चपेट में आने से 11 श्रद्धालु घायल हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार शाम करीब 4:30 बजे पवनी तालुका में अड़ियाल से नवीगांव फाटा के बीच हुई। घायलों को इलाज के लिए अड़ियाल और भंडारा अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लक्ष्मण किसान राव वानखेड़े, वसंत बाबूराव कुर्वे, प्रसन्ना महाजन भंडारा, सारिका नंद किशोर वानखेड़े शाहपुर, नितिन लक्ष्मीकांत व्यवहारे नागपुर और चालक दिनेश जाको वागड़े रावाकेश्वर है। कार्तिक एकादशी के अवसर पर भंडारा से पवनी तक 3 दिवसीय पैदल वारी का आयोजन किया गया। काफिला रविवार को अड़ियाल पहुंचा। दोपहर के भोजन के बाद दिंडी करीब 2 बजे पवनी के लिए निकली। इस जुलूस में 22 भक्तों ने भाग लिया। कतार से गुजरते समय एक मारुति ओमनी कार जो अड़ियाल से नवेगांव फाटे की ओर आ रही थी सीधे इस डिंडी में प्रवेश कर गई। कार ने सड़क पर कतार में खड़े 11 श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी तो केवल एक गड़बड़ थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। क्षेत्र के नागरिक भी मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अड़ियाल और ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। 7 लोगों की हालत गंभीर थी और उन्हें इलाज के लिए भंडारा रेफर कर दिया गया। पवनी से BCN न्यूज के लिए प्रदीप गाड़िया के साथ राजेश यलसट्टीवार की रिपोर्ट।